दोस्तों। राधा, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने ठंडी सफेद चादर बिछा दी हो। क्यों ना हम इस ठंडी ठंडी बर्फ से ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर पिए। ठंडे मौसम में कुछ भी ठंडा पियोगे तो सारा दिन खांसते और छींकते ही रहोगे शामू। तो तुम ही बताओ कृष्णा कि हम क्या करें। एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? मजेदार खेल। कितनी देर हो गई है कृष्णा का इंतजार करते हुए। हमें गोवर्धन पर्वत पर बुलाकर खुद जाने कहां चला गया। ओ, लगता है उसने तुम्हें उल्लू बना दिया है। तुम्हें तो लग सकता है दामू, तुम उल्लू जो ठहरे। वो तो ठीक है पर राधा, तुमने मुझे उल्लू कहा। लो, हंसी हंसी की बातों में कृष्णा भी आ गया। पर ये पेड़ की छाल किस लिए कृष्णा? हम तो खेल खेलने वाले थे ना। राधा, ये छाल उसी खेल के लिए है जिसका नाम है फिसलन पट्टी, जिस पर बैठकर हम सब यहाँ से नीचे तक फिसलते हुए जाएंगे। मजा आएगा। लेकिन कृष्णा, रास्ते में पत्थर और जंगल भी तो है। हाँ, उनसे टकरा गए तो सबको चोट लग जाएगी कृष्णा। इसमें तो खतरा है। कृष्णा के रहते खतरे का तो सोचना भी मत तुम लोग। लेकिन फिर भी अगर किसी को चोट लग गई तो पूरे एक महीने तक कृष्णा का माखन हम खाएंगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ, लेकिन ये गलत है। फैसला हो चुका है कृष्णा, अब चुपचाप शुरू करो अपनी ये फिसलन पट्टी। राधा ने कही, कृष्णा ने मानी। एक, दो, ये तीन। कृष्णा, ये फिसलन पट्टी तो कमाल है। बोला था ना। चाहे जो आ जाए, मैं अपना माखन किसी को खाने नहीं दूंगा। Thank you.
और मेरा माखन भी बच गया।